अखिलेश अब भूल जाए सीएम की कुर्सी, 2027 नहीं 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे योगी। मोदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक, चारों खाने चित हो गए अखिलेश। जी हाँ, मोदी ने तैयारी कर ली है, अब प्रदेश में योगी 2027 तक नहीं बल्कि 2029 तक सीएम रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए, हम बात करेंगे मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की जिसने अखिलेश के सपनों पर पानी फेर दिया है। मोदी 1991 और 1996 वाले चुनावों को दोहराने जा रहे हैं, तब भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे। मोदी जो प्लान बना रहे हैं, अगर वो लागू हुआ तो 2027 में जब प्रदेश के चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल 2 साल के लिए होगा। आइए आपको मोदी का प्लान बताते हैं। दरअसल मोदी देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव लाने जा रहे हैं, और अगर इसको मंजूरी मिल जाएगी तो 2027 में यूपी में जो चुनाव होंगे वो केवल 2029 तक के लिए वैध रहेंगे, और फिर 2029 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रदेश में साल 1991 और 1996 में भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, और 1991 में तब प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी चर्चा है, और इसके प्रस्ताव को भी मोदी सरकार के कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का निर्णय लिया गया था, जिसका पहला पड़ाव पूरा किया जा चुका है। अब मोदी सरकार संभावित रूप से शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को राज्यसभा और संसद में पेश करेगी। अगर वहां सबकी सहमति बनी तो 2025 में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाएगा, और उसके बाद 2029 में एक साथ फिर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उसके बाद जो भी चुनाव होंगे वो सिर्फ 2029 तक ही मान्य होंगे, यानी 2029 में फिर से चुनाव होंगे, चाहे सरकार बने एक साल हो, 2 साल हो या 3। नरेंद्र मोदी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा डालती है। समय समय पर चुनाव देश विकास के लिए सही नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो प्रदेश सहित तमाम जगह पर होने वाले चुनाव एक साथ 2029 में होंगे। मोदी सरकार फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बेहद गंभीर है, और बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर रही है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि जैसे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और GST जैसे अहम फैसले लिए गए, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन भी देश के अंदर लागू होगा और देश में एक साथ चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना फायदेमंद है? क्या मोदी सरकार एक बार फिर बड़े फैसले को आसानी के साथ देश में लागू कराने का काम करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।